जय भीम नव बुद्धा साथियों, मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे हैं तिरसन लाइव टीवी। सबसे पहले जो उड़ीसा ट्रेन हादसे में जितने भी घायल हुआ है और जिनको मृत्यु हो चुका है, हमारे तिरसन लाइव टीवी की ओर से सादर आदरांजलि। सबसे पहले बात करेंगे इस तरह का घटना जो हो रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है और इसके जिम्मेवार किसको होना चाहिए। जो ट्रेन का जो ट्रेन मंत्री है, रेल मंत्री, वो क्या कर रहे थे, वहाँ का प्रशासन क्या कर रही थी, और जितने भी घायल हुआ है उनको सही तरह से उसको ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा है, तो इसके जिम्मेवार कौन है। और इस तरह का ट्रेन हादसा, इसमें जो सफर करने वाला जो पैसेंजर है, आखिर कौन है? वो मजदूर है, गरीब मजदूर, सब कहीं कमाने जाते हैं तो वहाँ आते समय उस समय ट्रेन में सफ़र करता है, और जो एसी में बैठ कर जो मज़े से रहते हैं उनको क्या है, उस मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए। आज जो प्रधानमंत्री हर देश में घूम घूम कर यहाँ वहाँ बुलेट ट्रेन चलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितने भी ट्रेन में, रेल क्षेत्र में, रेल विभाग में जितने भी वैकेंसी है उनको अभी तक फुलफिल नहीं कर पाया है, जिसके वजह से इस तरह का घटना को देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं सरकार का इस तरह का लापरवाही है, तो इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। और जनता से अपील करेंगे, जैसे सरकार चुनेंगे वैसे ही आपके साथ घटना घटेगा। तो अंत में जितने भी जो इस ट्रेन हादसे में जिनके घर के परिवार और जिनके जिन सदस्यों का मृत्यु हो चुका है, फिर से हमारे तिरसन लाइव टीवी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ जितने भी घायल है वो इस दुख की घड़ी में अपना धैर्य बना के रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो। सर्वप्रथम तिरसन लाइव टीवी के प्रमुख मेघलाल बौद्ध जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अखिल भारतीय मजदूर कल्याण सेवा संघ, राष्ट्रीय एकता भारत सरकार की ओर से मैं झारखंड प्रदेश के गौरी बड़ी चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि जो उड़ीसा प्रदेश में जो रेल हादसा हुई उसमें बहुत सारे यात्रीगण का मौत हो गई, घायल हो गए, किसी पैर टूट गया, किसी हाथ टूट गया, कोई मौत का शिकार हो गए। ये बहुत दुख की बात है। इस ट्रेन हादसा में शायद लगता है कि रेल कर्मी की गलती हुई होगी, जिसके कारण इतनी बड़ी हादसा हुई। इसलिए जो हादसा हुई है वैसे लोगों का यानी मृतक परिवार लोगों का रेल विभाग द्वारा मुआवजा मुहैया कराई जाए, जिससे कि उनके परिवार लोगों का भरण पोषण हो सके। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन रेल कर्मी बहुत लापरवाही बरतते हैं, जिसके कारण इस तरह का घटना होती है। ये तो भयंकर घटना है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, अन्यथा रेल विभाग की बदनामी है, रेल कर्मियों की बदनामी है, जितने भी हमारे रेल विभाग के उच्च अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए हम राष्ट्रीय एकता भारत सरकार से, मैं चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।